लाइफ में फर्स्ट टाइम हेयर कलर करवाया, लेट्स सी कैसे लगता है और मम्मी का क्या रिएक्शन होता है इसमें। ये क्या रिएक्शन हुआ? हाय हाय, पता ही नहीं लग रहा। पता क्या हुआ? पता ही नहीं लग रहा। लाइट, अरे पता ही अभी सही लग रहा है, लेकिन उससे पूछा ही उतरने के बाद गोल्डन तो नहीं था। नहीं, सो ये कुछ ऐसा सा कलर लग रहा है, दिख ही नहीं रहा फोन में, मेरे फोन में दिखेगा। कुछ ऐसा सा कलर लग रहा है और ये सड़े हुए रिएक्शन दिए ना उन्होंने, इतने सड़े हुए। कैसे लग रहा? बहुत ही प्यारा, कैमरा ऑन होते ही बहुत ही प्यारा। सही लग रहा है क्या? ला देते एक बारी में। सही लग रहे हैं नहीं लग रहे वो बताओ। बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे सच्ची बताओ यार, क्या करेगा तारा करवाने का? बोल गया वो कह रहा था यार, हल्को दाढ़ी में करा लेगा। दाढ़ी धूड़ी भी नहीं, फिर तो बिल्कुल बेकार लगते हैं। सही लग रहे हैं वो कह रहा है, सही ना लगे तो फिर दोबारा काले करवा लो। घूम या बना के काले करा दे, पैसे मिलेगा। बोल क्या कहाँ जा रहे हैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा। बट फिलहाल आज हम निकल रहे हैं अभी पैसिफिक मॉल, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया अभी कि अगले ब्लॉग्स आने वाले ट्रिप के, तो ट्रिप पे आने वाले थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ेगी। अब कहाँ जा रहे हैं वो अगले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा, तब तक गैस करो। हिल स्टेशन जा रहे हैं किसी, बिकॉज दिल्ली में गर्मी आपके सामने है कितनी हो रही है, तो किसी हिल स्टेशन जा रहे हैं, बट कहाँ कीप गेसिंग, नीचे कमेंट जरूर करना। और अभी तक आपने बताया नहीं मुझे तो बताना जरूर, अभी वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट करके ये भी बताओ कि बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कभी सारे सही लग रहे हैं कभी अजीब से लग रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। सो भी फटाफट से रेडी होता हूँ, नहा लेता हूँ और तन निकलते हैं। जिंदगी में दूसरी या तीसरी बार मिली है इतनी आगे पार्किंग। अरे ये उतार दूंगा, ये बाहर रेस्टोरेंट कब से खुल गया? अच्छा वैक्सीन है, सॉरी पैसिफिक में वैक्सीन भी लग रही है और उसकी लाइन लगी हुई है, गाड़ी के अंदर भी वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों को। एज यू कैन सी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लग रही है। देख लो क्या क्या करना पड़ता है। एक शॉट लेना था जो ऊपर से नीचे आते वो लेना था, पर हम वो ले नहीं पाए, तो इसलिए नीचे जाके फिर वापस ऊपर आया शॉट के लिए। देख लो कितनी सपोर्टिव वीडियो मेरी, ऐसा नहीं बोलते वेले नहीं है। सो इस शॉट की बात कर रहे थे। चेयर्स पे आधे से ज्यादा कम है, सारी चेयर्स में लग रहा है फूड कोर्ट की उठा के यहाँ डालती हूँ, यहाँ खाली बढ़िया। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है जो आपको दिखेगी, थोड़ा सा घर निकलते हैं, धूप काफी तेज हो रही है। इससे बाहर निकलते ही तो ऐसा हो गया था मामला कि बस देख नहीं रहे, शक्ल काले हो गए।
पौना घंटा तो हमें जगह ढूंढते हुए लग गया वहाँ पे खाने के लिए। बीच पहले ए सी है वहाँ पे भी आराम से, इसी में मिल गई हो तो अचानक से लोग खड़े हुए उनकी कुर्सी हमने खींच ली। 100 टेबल हैं, 50 कुर्सियां रखी हुई हैं। का टेम्परेचर दिल्ली का है 42। मतलब गर्मी इतनी हो गई है ना, दिमाग सड़क रहा है। एसी बंद करते ही ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए, कहाँ है वो इरा। सो अब हम लगाने लगे हैं नीम फेस पैक दोनों। ये मैडम हल्क बन चुकी है आदि। यहाँ पे भी लगा दो सिल्ले। अरे है नाक के अंदर अंदर नहीं गया वो, यहाँ लगा है यार। हल्क लेडी हल्क देखो, ये तो छोटा हल्क बड़ा हल्क। ओ काश हम बोल पाते हिमालय वालों ने हमें स्पॉन्सर किया, हम भी दिखाते हैं ऐसे, बट नहीं स्पॉन्सर नहीं है। क्या लग रहा है आपको, निखार आया है या नहीं आया? आया है यार, वैसे थोड़ा बहुत तो सही है, पर 10 रुपए का हिमालय का नीम फेस पैक में और क्या चाहिए। 10 रुपए 15 10 जो भी बोलो, पर आया फर्क तो आ गया। तो चलो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं, ट्रिप के कहाँ के हैं, ट्रिप कहाँ जा रहे हैं हम अगले व्लॉग में पता चलेगा। सो तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे हमारा चैनल। एंड हाँ, मेन चीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले ट्रिप की सारी अपडेट्स आएंगी, क्योंकि व्लॉग्स बाद में आएंगे जब हम वापस आ जाएंगे, बट उसकी पिक्चर एंड स्टोरी वगैरह मैं वहाँ डालता रहूंगा। कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं आपको वहाँ पहले पता चलेगा। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये नीचे आ रहा है यूजर नेम, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ जाके फॉलो जरूर करना। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय 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 बाय, सी यू। Till I get up, time is barely on our side.